सभी को गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं खंबात के बगल में, खंबात के पास 5 किलोमीटर गांव हैगा, उसका नाम है करालेज, यानी कि वहाँ सिकुतर माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। उन्हें जाने वो जब ये मेरे ख्याल से मेरी पैदाशी नहीं थी तब का ही मैंने वो सुनता आया हूँ कि ये यहाँ बहुत सारे स्टीमर आते थे, वहाँ आते थे और स्टीमर आते थे वहाँ, तो उन्होंने लगता है वो ये जो स्टीमर था उन्होंने वो साक्षात वो माता जी उसको रास्ता दिखा रहे थे, वो ऐसा है उधर। तो वहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं ये खंबात में। आप जब भी आओ वो सिकुतर माता रालच का अवश्य उसका नज़ारा देख कर चले आने का, अवश्य जाने का। मैं अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे खंबात में, अरे खंबात से घूम कर वापस घर वापस आ जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। हम लोग सिकुतर माता मंदिर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर के पीछे का व्यू है, बहुत दूर थोड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है और अभी हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग समुद्र के पास जाएंगे। चले सर, ऊपर नीचे होता रहता है पानी तो। अच्छा आप लंगूर को बंदर बोलते हो, और बंदर को क्या बोलते हो? बंदर तो है ही नहीं, बंदर आते हैं तो लंगूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, एक ही बंदर का आती है। उल्टा हमारे यहाँ पता है क्या बोलते हैं, कि जहाँ पर बंदर है वहाँ एक लंगूर रख दो। हमारे इधर ऐसा है, कितना बड़ा शिवलिंग।
इतना बड़ा शिवलिंग मैंने आज तक नहीं देखा कभी। शिवलिंग के अंदर? अच्छा, पूरे मंदिर के ऊपर से पूरा कवर किया शिवलिंग से। क्या बात, बाहर मंदिर के बाहर जो तो प्रदक्षिणा कर देना पड़े। हाँ जी, यहाँ निचली ओर गोक है, गोक जैसे गोक बनाते ना वैसे गोक है, वो शिव जी के 68 तीर्थ होता है ना, इसका नाम है। तो तुम घूम के आओ तो पूरा 68 होगा। अच्छा, कितना? 68। इसके ऊपर भी गोक है, जैसे नीचे गोक है ऐसे
ऊपर गोख है। गोख क्या होता है? गोख यानी कि ऐसा होता है ना। अच्छा अच्छा हाँ, तुम्हारी बात समझ तो बोलते हो। वो 64 योगिनी, हाँ जी हाँ जी, बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं, बोलते हैं। तो वे ऊपर 64 नाम है। अच्छा, वो 64 होगा, नीचे वाला 68 होगा। ठीक है, 8 खूणादेव होते हैं ना अपने। हाँ जी हाँ, वो भी है अक्षर में। इसके ऊपर सप्तऋषि, सप्तऋषि बोलते हैं ना। हाँ जी, वो ही है, मतलब वो प्लानिंग से बनाया है। हाँ, वो दरवाज़ा अभी बंद है, वो भी खुलेगा। और अगर जाना तो उधर से भी जा सकते हो। हाँ जी, वहाँ दरवाजे के ऊपर नवग्रह की मूर्तियाँ हैं। नवग्रह इसकी मूर्ति है। बाहर बड़ा शिवलिंग है, हनुमान जी नटराज, जिसको पूजा अर्चना अभिषेक जो वगैरह करना है वो बाहर कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ओके। तो ये सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके सबके ये हिसाब से, हाँ, उसी डायरेक्शन से कहाँ आया। हाँ, इस हिसाब से स्थापना की। बहुत बड़ी बात है, जो आपसे बात की तो समझ में आई। ये बात नहीं तो मैं समझ रहा था कि एक जगह शिवलिंग तो एक होता है, फिर इतने सारे क्यों हैं। तो ये आप समझ में आई ये बात। ठीक, गाइस हम लोग अभी शिकोतर माता जी के मंदिर आए हैं, दर्शन किए हैं, माथा टेका है। और यहाँ पर मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा शिवलिंग, और ये सामने, बिल्कुल सामने समुंदर का नज़ारा। तो ये एक बहुत अद्भुत क्षण मेरे लिए है, जो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज मैं माता जी से आज वादा करके जा रहा हूँ कि इस एरिया में इतनी मेहनत करूँगा, इतना काम करूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अच्छा रोज़गार, अच्छे प्रोडक्ट पहुँचे और खुशहाली आए। थैंक यू।